Assalamualaikum viewers and welcome to the vlogging by Haseeb. Actually आज सिर्फ ये मैं नहीं हूँ, यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है आसिफ भाई जो व्लॉग टाइम से हैं, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, और इसके अलावा मेरे साथ मौजूद है हसन भाई जो हाजी शेर दीवान साहब से हैं, इनका भी एच पी यू स्टूडियो के नाम से एक यूट्यूब चैनल है। हम तीनों ने आपस में कोलैब किया है। सो कैसा लग रहा है आप सब लोगों को मेरे साथ कोलैब करके, कुछ मेरी व्यूवर्स को या अपनी ऑडियंस को बताएंगे? हसीब भाई, मुझे तो आपसे मिलके और आपके साथ कोलैब करके मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। थैंक यू। और मेरी तो हमेशा कोशिश रहेगी कि अभी मैं वेकेशन पे आया हूँ, जी जी, कुवैत से आया हूँ, तो मेरी कोशिश है कि जितने भी कोलैबोरेशन हो आपके साथ जरूर। जी बिल्कुल। आसिफ भाई जो है वो स्पेशली कुवैत से आए हैं पाकिस्तान में व्लॉग्स करने के लिए, और इनको काफी शौक है व्लॉगिंग करने का, तो डिफरेंट आइडियाज है हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और बहुत ही मजा आता है। इसके अलावा आप हमारी मजीद व्लॉग्स भी देखेंगे जो हम आपस में एक दूसरे के साथ कोलैब करते हैं। राइट? जी बिल्कुल राइट, इंशाल्लाह। और इसके अलावा अब हम आ जाते हैं हसन भाई की तरफ। हसन भाई ये आज के हमारे कैमरा मैन है, इन्होंने हमारा प्रॉपर एक प्रोफेशनल फोटो शूट किया जिससे कि हम अपना पोर्टफोलियो भी कह सकते हैं, और इसके अलावा इनका स्टूडियो है। अगर आप इस एरिया से हैं हाजी शेर या इसके इर्द गिर्द से, हाँ, तो इनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो आपका फेसबुक पेज है कोई? जी फेसबुक पे। उसका नेम वगैरह बताएंगे? हसन फोटो स्टूडियो दीवान साहिब। हसन फोटो स्टूडियो दीवान साहिब के नाम से इनका फेसबुक पेज है। सो वो भी आप जरूर लाइक कीजिएगा। और आसिफ भाई का चैनल है व्लॉग टाइम्स, वो भी आप अगर फिल्टर करके सर्च करेंगे तो व्लॉग टाइम चैनल सर्च में आ जाएगा, उसको भी लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा वहाँ पर अगर कैमरा मैन आपको रोटेट करके दिखाएगा तो स्पेशली ये वो फ्रेंड है जिन्होंने हमें इनवाइट किया था, इनके कहने पर हम यहाँ पे आए थे और यहाँ पे ये वीडियो शूट कर रहे हैं। और इसके अलावा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, हम आपको बोर नहीं कर रहे होंगे, हम फुल ट्राई करते हैं कि आप लोगों को मुकम्मल तौर पर इंटरटेन किया जाए। हमारा मकसद ही यही होता है कि इंटरटेन करना, आप बोर ना हो। आगे चल के हम आपको बहुत सी चीजें दिखाने वाले हैं, बिल्कुल भी दिखाएंगे। हाजी शेर का जो दरबार है वहाँ का भी ओवरव्यू आपको दिखाया जाएगा, बिल्कुल। और इसके बाद दो तीन और गांव वहाँ भी हमने जाना है, स्पेशली वहाँ एक क्या कहते हैं बेलना है जहाँ जैसे गुड़ तैयार किया जाता है। जी जी जी, एग्जैक्टली, ये चीज फैंटास्टिक है, वो भी प्लान है। एक्चुअली जिस तरह से गुड़ बनाया जाता है, गुड़ तैयार किया जाता है, वो वीडियो आसिफ भाई ने बनाई है, वो मैं अपनी इस वीडियो में एड करूंगा, आप देखिएगा इंजॉय कीजिएगा। एक बाबा जी से हमने इंटरव्यू भी किया था, आई थिंक सो। जी जी, मतलब बड़ी मजे की व्लॉग बनने वाली है। सो कैसे गुड़ बनता है, गुड़ की तैयारी होती है, उन्होंने मतलब बहुत मजा आने वाला है, आप बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जुड़े रहिए और देखते रहिए व्लॉग टाइम एंड व्लॉगिंग बाय हसीब। एंड स्पेशल थैंक्स टू बोथ ऑफ आवर कैमरा मैन, एक एम फराज जो कि स्पेशल लाहौर से आए हैं वीडियो शूट करने के लिए, और एक हमारे ये कैमरा मैन है, इनका इन्होंने अभी कितने बजे फंक्शन पे जाना है आपने? जी मैंने शाम 8 बजे जाना है। शाम 8 बजे इन्होंने फंक्शन पे जाना है, लेकिन तब तक ये हमारे साथ हैं। सो लेट्स सी। लेट्स सी। क्या है मेरा ख्याल है बेर है ये? हसीब भाई ये बेरी का दरख्त है। अच्छा अच्छा, बेरी का दरख्त। बेरी का दरख्त है और ये बेर लगे हुए हैं इसके ऊपर। हाँ अच्छा, ये खाने में भी बहुत मीठे और टेस्टी होते हैं, लेकिन होते गर्म है। सो व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे इस वक्त मौजूद है बेरी का दरख्त, और इस पे बहुत ज्यादा बेर लगे हुए हैं, और मुझे एक्चुअली पहले कंफर्म नहीं था, तो फिर मैंने आसिफ भाई से पूछा तो उन्होंने आपको आई होप सो कि अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। हाँ। सो ये बेरी है, आप जिसका बेरी उसका वट्टे पे देने थे, तुसी देख सकते हो कि देखो कितने वट्टे पे हुए ने बच्चे ने मारे। सो ये देखें कि कितना प्यारा दरख्त है, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा धूप है, लेकिन यहाँ पे हम अब साए में खड़े हुए हैं, तो टेम्परेचर काफी कूल है, काफी चिल करता है बंदा, साया। बहुत ही मजे की जगह है। कैमरा मैन आप रोटेट करके सारे दरख्त का एक शॉट लें, हम व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। ये देखे जी, ये ट्रैक्टर ट्राली है, ये पीछे गन्ने लादे हुए हैं, और फॉरन में हम लोग लैंड क्रूजर, जीएमसी और कितनी अच्छी अच्छी और कंफर्टेबल गाड़ियों में बैठते हैं, लेकिन जो मज़ा अपने गांव में, अपने माहौल में और अपनी सकाफत में है, आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, आपको वो मज़ा नहीं मिलने वाला और आपको वो सुकून नहीं मिलने वाला। और जो अपने वतन, अपने देश की आबो हवा जो, और अपने लोग, ऐसा मज़ा आप दुनिया के किसी कोने में भी जाएँ तो नहीं आने वाला। आओ,
वाह जी वाह, ये देखे गांव वालों के दिल कितने बड़े दिल होते हैं। वो हमें कह रहे हैं अगर आप गांव में आए हो तो गुड़ खाओ, गन्ने खाओ, जो दिल कर रहा है सब आपके लिए रेडी है, हाजिर है। आप हमारे गेस्ट हो, आप गेस्ट हो। आज हम ये वेलने पे आए हुए हैं, यहाँ पर हमें एक ये भाई मिला है, भाई इसका नाम है फिदास हैन। क्या जी फिदास हैन आपका नाम है? इनके पास एक बहुत अच्छा टैलेंट है, अभी वो बताएंगे ये क्या टैलेंट है और क्या करना चाहते हैं। तो जी आप बताएं, आप ये कैसे, ये जो जनरेटर है कैसे स्टार्ट करते हैं और इसका पूरा तरीका बता दें। वाह जी वाह, अभी वो बेल्ट से थोड़ा जोर लगा रहे हैं, खींच रहे हैं उसको स्टार्ट करने के लिए। अभी देखते हैं क्या होता है, ये कैसे स्टार्ट करते हैं। चाचा जी जरा दसियो तुसी कि गुड़ किदां बनाया जांदा वा जरा अपने। अच्छा जी, पहले गन्ने दी पहले रो कड्डी दी है। चाचा जी कह रहे हैं कि गन्ने का पहले रस निकाला जाता है तो इसके बाद कड़ाच पाया जाता है। ओके ओके, कड़ाच मैल शैल साफ सुथरा करते फिर गुड़ गांडे च पाया जाता है। ओके, वहाँ से ये जो रस है गन्ने का यहाँ पे आता है, यहाँ से उठा के इस कड़ाई में लेके जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। ओके, इस देर आग बल्दी पे ये। हाँ जी, आग बाल एक कितनी देर के कितने घंटे पकाया जाता जी? तकरीबन 20-25 मिनट। 20-25 मिनट डबल कड़ा है ना साढ़े को। ओके, और इसके बाद ये देखें यहाँ पे गुड़ तैयार हुआ है। ये गुड़ तैयार है। हाँ जी, यहाँ तैयार करके फिर ये बोरियों में बंद किया जाता है। भाई जी ऐसी तो घर खाना है, मार्केट नहीं भेजना, ऐसी तो आप बड़ा गुजारा कर। अच्छा, घर के लिए बनाते हैं? घर के लिए बनाने हैं, चीनी तो साड़ी जान छुट्टे। इतनी महंगी चीनी कौन लवे? हाँ चीनी तो फिर और भी महंगी है ना। ये कितने रुपए किलो पड़ रहा है आपको गुड़? 80 रुपए किलो। और चीनी कितने रुपए किलो? 110 रुपए किलो चीनी। ठीक है, 100 अराउंड अबाउट है। हाँ, ऐसी चीज नहीं मिलाई जाती जिससे इंसानी सेहत पे कोई असर पड़े। बिल्कुल, एक कुदरती चीज है, नेचुरल चीज है, इसका कोई खास नुकसान नहीं है। और जेडे मसाले ने ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਜੀ ਜੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਕਚਰਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਗੁੜ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਕੇ ਲਈ ये मीठा सोडा डाला जाता है इसमें। और गौसबान भी है। गौसबान का क्या काम होता है, ये किस लिए इसमें डाली? कचरे नो अलहदा कर दावे, कचरे को साफ करने के लिए। और मीठा सोडा ओदे विच जेड़ा कचरा बच जांदा वे। हां हां, वो हो साफ कर नतारन लिए असी। ठीक है, मीठा सोडा। हाँ, वो ऊपर आ जाता है तो आप वो छानने से उसको, मतलब ये छानना पड़ा हुआ है, छानने से उठा के इसमें डाला जाता है। जी, रंग काट और उसका कलर निकालने के लिए और उसको निकालने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक हो गया जी, ये देखें जी गांव में बड़े बुजुर्ग क्या, छोटे बच्चे क्या सब मिलके काम करते हैं।
नाउ व्यूअर्स, ये इस गांव में हमें एक मिला है बेड़ का दरख्त, जो कि बहुत ही पुराना दरख्त है, बहुत ही ज्यादा इसके पत्ते हैं और बहुत ही गहरा है। सो इसके बारे में आपको आसिफ भाई बताएंगे। आसिफ भाई, व्हाट इज दिस पेड़? जिसे अगर पंजाबी में जाएं तो इसको बोड़ का दरख्त कहा जाता है। ठीक। और ये बोड़ की डारी है। अच्छा। तो हमारे जो हकीम लोग हैं ना, हाँ जी, उनके लिए ये क्या कहते हैं, सोना है, सोना है। जड़ी बूटियों का काम करती है, हमारे पाकिस्तान में, पंजाब में बोड़ के दरख्त जो है ना, हाँ जी, वो नायाब हो रहे हैं। ठीक, बिल्कुल, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, इसको हमने एक्सप्लोर किया है। राइट नाउ व्यूअर्स, व्लॉग में थोड़ा सा हमने ट्विस्ट डाला है, एक बहुत ही मजे की चीज ऐड की है, एक बहुत ही न्यू चीज। जैसे हम व्लॉग शूट कर रहे थे, ये आप हमारे आसिफ भाई को देख सकते हैं कि कितना कवर हुए बैठे हैं, और उनके साथ एक हमारे और दोस्त हैं। यहाँ पे हम आए थे, गुजर रहे थे कब्रिस्तान में, अभी हमने फातिहा खानी की, और उसके बिल्कुल सामने यहाँ पे शहद की मक्खियों को स्टोर किया जाता है, जहाँ तक हमने सुना है। इसके बारे में आपको मजीद आसिफ भाई बताएंगे, और ये जो भाई साथ खड़े हुए हैं, ये आपको बताएंगे इसके बारे में। सो आसिफ भाई, पूछें इनसे फिर। आसिफ भाई, अभी आप इन भाई से क्या बात करने जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम। आपका नाम क्या भाई जान? जी भाई जान, लियाकत। लियाकत भाई, लियाकत भाई, ये हमें पता चला है कि ये आपके गांव में ये मक्खियाँ स्टोरेज वगैरह होती है और स्टोरेज करके इनका शहद लिया जाता है। जी जी। तो ये हमें बताएं कि ये क्या तरीकाकार है और कैसे शहद लिया जाता है। जी जरूर, क्यों नहीं। हाँ, तो ये क्या है सर, इसमें इसको क्या कहते हैं? ये बॉक्स है। हाँ जी, मक्खी वाला। उसके अंदर जो है ना 10 फ्रेम है। वेरी गुड। जो यानी कि कहते हैं जिसे छत्ते बोलते हैं, छत्ते, 10 छत्ते हैं, 10 छत्ते मौजूद है। ठीक है। ये अब शहद जो है, ठीक, एक माह बाद हम शहद निकालेंगे। अच्छा, वो भी ये जो है शीशम के दरख्त का। जी जी। इसका, अच्छा, तो इसमें 10 छत्ते होते हैं। और मक्खियाँ कितनी डाली जाती हैं तकरीबन? इसमें मक्खियाँ इस तादाद की गिनती नहीं की जाती। आप जरा थोड़ा सा पीछे हटें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, अभी भाई साहब दिखाने वाले हैं इसके अंदर होने क्या जा रहे हैं। ये देखें, थोड़ा कैमरामैन थोड़ा क्लोज करें, असी भाई थोड़ा पास में आए, चेक करें। अच्छा, ये हैं, ये छत्ते हैं, ये 10 छत्ते हैं इसमें। 1, 2, 3, 4, ये 10 छत्ते हैं। ठीक है। और ये देखें, ये छत्ते देखें, इसमें दोनों जानब इनके मक्खियां हैं और साथ शहद भी है। और ये शायद साथ शहद भी है। ठीक है। और ये इनको तैयारी और तैयार होने के लिए कितना टाइम चाहिए इनकी तैयारी? अभी एक माह इसके एक माह तैयारी है। और एक माह में आप इस एक बॉक्स से कितने किलो शहद हासिल करते हैं? ये इसकी जो है ना एवरेज मैक्सिमम जो है पर बॉक्स की नहीं गिनी जाती। जी, पर बॉक्स की जो है ना वो एवरेज नहीं गिनी जाती। ओके। ये फार्म की एवरेज होती है ना 100 तकरीबन बॉक्स हो तो तकरीबन कोई 12-13 मन जो शायद है वो इससे। वेरी गुड, वेरी गुड। 12-13 मन एवरेज शायद हासिल किया जाता है। अगर कितने हो, 100 मतलब बेचते हैं तो कितने किलो पर के जी कितने जाता है एवरेज बता दें आप? चलो एवरेज जो है तकरीबन 400 जो है ना पर के जी जो है, 400 पर केजी जाता है जी एवरेज। मनों के हिसाब से भी बेचें तो 400 के हिसाब से, 400 रुपए किलो के हिसाब से ये सेल करते हैं। आफ्टर दैट जब कस्टमर दुकानदार शॉपकीपर कितने में बेचता है वो उनका अपना मतलब सर दर्दी है कि वो 1000 रुपए किलो बेचें, 2000 रुपए बेचें, ये सेल करते हैं 400 रुपए। और प्योर शहद होता है ये, बिल्कुल कोई मिलावट नहीं। ठीक हो गया, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत ओके, बहुत शुक्रिया सर, गाँव में याद रखिए। जी ऑन द वे टू चेक नंबर 40 KB है, चांदी मिनटों में हम 40 KB में पहुंच जाएंगे, अभी ऑन द वे में है। जी ये 40 KB है, हम साउथ हो गए करीब 40 KB में एंटर हुए हैं। और ये हमारे दोस्त हैं अशरफ भाई, ये अशरफ भाई की शॉप है, यहाँ पे हम आए हैं। और ये माशाल्लाह हमें ये देखें पेप्सी और पानी के साथ हमारी तवाजो कर रहे हैं। तो यहाँ से होते हुए फिर हम आगे जाएंगे, आगे जाके हम आपको और भी बहुत सी चीज़ें दिखाने वाले हैं, तो हमारे साथ रहिए।
सोबत के लिए वो अपना रंग रखाती है। कोई नेक बंदा नेक बंदे की सोबत इतने में अल्लाह की कसम नेक नेक ही हिलाता है। ये अगर कोई बुरा बुरा बंदा ही आ जाए वो नेक की सोबत से आ जाए वो बुरा बुरा नहीं लाता और नेक चला जाता। सैयद बाबा जिंदे शाह बुखारी है, यहाँ पर आज एक मेला हो रहा है।
मैं आपको दरबार का ओवरऑल व्यू दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये कब्रिस्तान है यहाँ पर दरबार के अहाते के अंदर ही, और ये जोंड के दरख्त भी लगे हुए हैं यहाँ पर। अगर वो पीछे देखें तो एक बहुत खूबसूरत मस्जिद भी है। जुमे के दिन लोग यहाँ पर आते हैं और जोक दर जोक आके यहाँ पर जुमा अदा करते हैं। और ये दरबार शरीफ का गुंबद है, और माशाल्लाह नीचे दरबार के अहाते में काफ़ी गहमा गहमी है। हम दरबार के अंदर एंटर हो रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हजरत दीवान चार्ली मशायख रहमतुल्लाह अलैह अल मरूफ बाबा हाजी शेर, और यहाँ पर तारीख वलादत हजरत बाबा हाजी शेर दीवान बिल मुताबक बरामद शुदा महतूत आज करीमी मजार शरीफ वलादत 30 हिजरी लिखा हुआ है, और इसकी तारीख शहादत यहाँ पर बयान की गई है 131 हिजरी। तो चलें दरबार के अंदर एंटर होते हैं और आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। फातिहा खानी कर रहे हैं, और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, दुआएं मांगते हैं, अपनी हाजतें मनते मरादों। और यहाँ पर मरीजों की माशाल्लाह कसीर तादाद मौजूद है, और यहाँ पर बाबा जी के मरीदैन हैं जो चिल्ला वगैरह कर रहे हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है रोज़ा मुबारक माई कंगन बरस हमशीरा है हजरत दीवान बाबा हाजी शेर। अभी हम बाहर की जानब जा रहे हैं यहाँ से, और ओवरऑल दरबार के बाहर का व्यू भी दिखाते हैं आपको। यहाँ माशाल्लाह दरबार पर बहुत रौनक है, और बहुत से लोग हैं जो यहाँ ज़ियारत पर आए हुए हैं, और बहुत से लोग हैं जो दरबार की ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। और माशाल्लाह यहाँ पर दरबार पर कव्वाली भी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाफिज जी आपका क्या नाम है? जी हमारा नाम मोहम्मद कारी इकबाल अहमद है, क्योंकि हम कुरान पाक के हाफिज हैं ना। माशाल्लाह, आप कुरान पाक हिफ्ज किया हुआ है आपने? हाँ, हमने हिफ्ज किया हुआ है और हम कर भी रहे हैं माशाल्लाह, अब तक हमने छोड़ा नहीं है।
तो आप, मैंने सुना है कि आप नाच बहुत अच्छी, नाच भी बहुत अच्छी सुनाते हैं, पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, हम बहुत अच्छी नाच सुनाते हैं। हम तीन बहन भाई मुथाज हैं। हाँ जी। लेकिन हजूर की हम सना करते हैं जरूर। तो हमें सुनाएंगे, कौन सी नाच सुनाएंगे? जो तुम मुझे बताओगे ना, मैं वही सुनाऊंगा। ना, जो नात आप अपनी मतलब समझते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से सुना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो आप अपनी मर्जी से हमें एक नात सुना दें। सुनाता हूँ अभी। सल्लल्लाहु अलैहि कया रसूलल्लाह वसल्लम अलैकया खुशियां मनान वाले ओ, आका दा मिलाद आ गया, सोने मन ठार दिया महफिल सजाने वाले ओ, 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 ओ आका दा मिलाद आ गया, खुशियां मनाओ सारे गरम सजा के, कर लो चरागा तुसी बत्तियां जला के, खुशियां मनाओ सारे गरम सजा के, कर लो चरागा तुसी बत्तियां जला के, कर लो चरागा तुसी बत्तियां जला के, सदका रसूल दिया जुड़िया वखाण वाले ओ, 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 ओ आका दा मिलाद आ गया, आका दे मिलाद दिया खुशियां मनाने वाले ओ, ओ, ओ आका दा मिलाद आ गया। माशाल्लाह। आमद रसूल उते खुशी जो मनावेगा, मन दी मुराद झोली दे विच पावेगा, मन दी मुराद झोली दे विच पावेगा, आका दे मिलाद दिया रौनकां लाण वाले ओ, आका दा मिलाद आ गया। सेटिंग देख रहे हो अभी? ठीक है जी। चले, हम आपको लेके जा रहे हैं एक दुकानदार से, और उससे बात करते हैं जो बाबा हाजी शेर दीवान पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई जान? बहुत गर्म है दीवान। आपका क्या नाम है? आसफ। आसफ भाई। आसफ भाई, ये कौन सी जगह है जहाँ पे हम खड़े हैं? दीवान साहब। दीवान साहब हैं बाबा हाजी शेर दीवान बाजार के, मतलब बाबा हाजी शेर दीवान बाहर जो बाजार लगा होता है वहाँ पे आप खड़े हैं? जी बिल्कुल। तो यहाँ क्या सूरत हाल है कारोबार की, बिजनेस की? बहुत अच्छा है ये सर। बहुत अच्छा है। और आप कितने अरसे से यहाँ ये काम कर रहे हैं? 10-12 साल। 10-12 साल से। और यहाँ पर मेला कब लगता है ये बाबा हाजी शेर का? हाड़ दी पंजी में। हाड़ दी पंजी तरीक में। सही है। और ज़्यादातर आम दिनों में कौन से दिनों में रश ज़्यादा होता है यहाँ पे? जुम्मा हफ्ता। जुम्मा हफ्ता और इतवार के दिन ज़्यादा मरीज यहाँ पे आते हैं। और ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ आते हैं? कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे लोग, जहाँ से ये लोग आ रहे हैं? बिल्कुल यार, पाकिस्तान। ठीक हो गया। और ये चूड़ियाँ, ये कंगन वगैरह, ये क्या आर्टिफिशियल चीज़ें हैं ना सर? जी सही है। चलें ठीक है भाई साहब, भाई जान आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। सो राइट नाउ व्यूअर्स, अब हमने अपने व्लॉग्स का यहाँ पे एंड कर लिया। आज का जो हमारा पूरा दिन था काफ़ी बिजी रहा है। अब हम यहाँ पे आए हैं बुढ़े वाला में, काफ़ी ब्यूटीफुल सा स्पॉट है चाय डेरा, वहाँ पे मैं आसिफ भाई को लेके आया हूँ। यहाँ पे हम पी रहे हैं चाय और बहुत ही मज़ा आ रहा है, और यहाँ पे आके भी काफ़ी एक्सप्लोरेशंस की हैं। इसके अलावा ये हमारा कैमरामैन है और हमारे साथ एक और गेस्ट हैं, एक ये आजकल प्रोफेशनल कैमरामैन बन गए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, नहीं भी आती हैं, तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। इसके अलावा हम आपके लिए मज़ीद मुख्तलिफ जगहों पर जाएँगे और भी बहुत सारी व्लॉग्स लेके आएँगे। और आसिफ भाई के चैनल व्लॉग टाइम्स को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। My channel name is Vlog Time and Haseeb Bhai's channel name is Haseeb Bhai Vlogging. Vlogging by Haseeb. Vlogging by Haseeb. तो stay tuned, अगर आप
हमारी वीडियो का अच्छा रिस्पांस देंगे तो इंशाल्लाह अभी हम और भी सिटी में जाएंगे और एक्सप्लोरेशन करेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है, हमारे साथ रहिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो जुड़े रहे हमारे साथ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह।